खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक कार्डधारी परिवार को नियमित एवं नियमानुसार 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर ब्लॉक के चुड़ियारी गांव निवासी सुनीता सहित कुल 14 परिवारों को पिछले 2 सालों से राशन न मिलने से इन सभी परिवारों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। घर में बहुत कुछ समस्या बा, जब ना खरीद नहीं मिली, पिए नहीं मिली, तो कैसे समस्या न रही। अच्छा टू लैके जेकरे बाटे तो कैसे कैसे चलियो कर। आपके राशन ना मिला ला? नहीं। कितना टाइम से आपके राशन ना मिलता? 6-7 साल हो गए ना मिला ला। तो राशन पाव के लिए आप प्रधान उधान के पास गई लाल गई गई लाली, लेकिन कुछ सुनवाई ना कहना ना, बाद में देखल जाए। बता दीजिए आपके का परेशानी बा? कितना टाइम से आपके राशन ना मिलता? हो गए 10-12 साल से ऊपर। राशन आपके ना मिलता, आप का परेशानी होला? का परेशानी, खाइले पिएले परेशानी हो रहा है। और का आप राशन बनो राशन पावली केकर केकर पास गई लह गेली? प्रधान के लगे गई लहली है, कोटेदार के यहाँ गई लहली है, सबके के यहाँ गई लहली। नहीं पावत है हमन के, यह समस्या बा कि हमन के राशन नहीं मिलत है, कौन सामान नहीं मिला था। आखिर में ना हमन के भगवान पेट दहले हम खाए जिए ने। आपके बीपीएल सूची में नाम बा? जाए ले तो कहा ना कि नवे ना आएगा कोटेदार की है। आप सरकार से कहा चाहल जाता है? हमन के यह चाहल जाता कि हमन के राशन मिले और कौन चीज मिले, हमन के कुछ मिलते न बा वोटे दाई दौरी है। वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग नौतनवा तहसील के SDM जिनका मोबाइल नंबर 9454449924 पर कॉल करके इनके ऊपर दबाव बनाएं, ताकि इन सभी राशन कार्डधारी परिवारों की समस्याएं दूर हो सके। मैं संजय कुमार जयसवाल, महाराष्ट्र प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।